अब अपन इसकी एंट्री करते हैं। पहले सबसे पहले अपन नगद संपत्ति खरीदना है। एंट्री आप करना F5 से पेमेंट बाउचर में, अल्ट प्लस सी से आप प्रिंटर का डेटा मांग रहे हैं। प्रिंटर अकाउंट अंडर में आ जाएगा, फिर असेट अमाउंट आप डाल देंगे 60,000 कॉस्ट प्राइस वाला। 2 में आ जाएगा केस, क्योंकि नगद है, केस अपने पास से जा रहा है। संपत्ति आपने खरीदी, अब आप इस पर डेब लाएंगे तो वो एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा डेब, अल्ट प्लस सी से आप डेब अकाउंट का लेजर बनाएंगे। अंडर में आप इसको डाल दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप इसमें अमाउंट डालिए यूज डेट डेब 7496। और 2 में आप लेते हैं प्रिंटर, लेकिन अपन इसको उधार बेच रहे हैं। उधार बेच रहे हैं तो एंट्री आपकी जनरल वाउचर में होगी, साथ में कर लेते हैं। आप बाय में लिखेंगे उस पर्सन का नाम, अल्ट प्लस सी से आप राम से अकाउंट का लेजर बना देना। अंडर में आप इसको डाल देंगे सनरी डेटर, एंटर करके सेव। इसमें आप अमाउंट डालते नेट सेलिंग प्राइस वाला 50,000। आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अब अपन जो इसमें लॉस भी हो रहा है तो यहाँ आप बाय में लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का लॉस हो रहा है आप यहाँ पे अमाउंट देख लेना। लेकिन आप में से किसी की साइकिल या स्कूटी इस वाले गेट के आगे रखी है? अगर रखी है तो आप उसे पीछे वाले गेट के ला दो। पीछे वाले गेट के अभी कहाँ लाएंगे? अपना जो गेट है उसके ऊपर इस टाइप की ढलान बनी हुई, तो ढलान के ऊपर सीधे खड़े करना, तिरछे में नहीं, हम उसको ढलाने बोलते हैं। अब आप यहाँ पे लिखना प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट, कितने का लॉस हो रहा है 2504। आप इसमें अमाउंट डाल देना 2504। और 2 में आ जाएगा संपत्ति का नाम प्रिंटर, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट करो, माल भेज रहे हैं, एंट्री अपन करेंगे सेल्स वाउचर में। नगद माल है, पार्टी अकाउंट नेम में आप लिखना केस। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, अपन डेल कीबोर्ड सेल कर रहे हैं। गोडाउन मन से 3 पीस, एक का रेट है 700। एंटर कर देंगे आप इसे, अपन HP कीबोर्ड सेल कर रहे हैं मेन लोकेशन से 5 पीस, एक का रेट है 900। अपन इसको मेन लोकेशन से सेल कर रहे हैं 3 पीस, एक का रेट है 600। आप एंटर करना, एंटर करके इसको सेव कर। चेक आप बैंक में जमा कर रहे हैं, एंट्री आप करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। 2 में आ जाएगा चेक इन हैंड, और बाय में आ जाएगा बैंक, एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड बाय बैंक, एंटर करके सेव। सैलरी का भुगतान एडवांस में किया, एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे क्योंकि आप पे कर रहे हैं। बाय में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी, अल्ट प्लस सी से आप प्रीपेड सैलरी का लेजर बना देंगे। अंडर में आप इसको डाल देंगे करंट असेट, एंटर करना, एंटर करके सेव करना। और 2 में आ जाएगा केस, अपने पास से केस जा रहा है, एंट्री हो जाएगी बाय प्रीपेड सैलरी टू केस, एंटर करके सेव। मजदूरी का भुगतान करना था 35,000, जिसमें से 25,000 था, 20,000 कर दिया, 15,000 करना बाकी है। एंट्री अपन पेमेंट वाउचर में करते हैं, बाय में लिखते हैं वेजेस, एक्सपेंसेस का नाम। आप अल्ट प्लस सी से वेजेस अकाउंट का लेजर बना देंगे। अंडर में आ जाएगा
डायरेक्ट एक्सपेंसेस में टोटल पे करना था 35,000, जिसमें से 2 में आपने केस दिया है सिर्फ 20,000, देना था 35,000, केस कितना दे दिया 20,000, 15,000 देना बाकी है, तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अल्टे प्लस सी से आप आउटस्टैंडिंग वेजेस का रिजर्व बना देंगे। अंडर में आप इसको डाल देंगे करेंट लाइबिलिटी, एंटर करके सेव, इसमें अमाउंट आ जाएगा 15,000, आप एंटर करके सेव कर देंगे। अब अभी तक अपन पे कर रहे थे, अब अपन को एडवांस में मिल रहा है, समीशन एडवांस में मिल रहा है, एंट्री हो जाएगी जैसे वाउचर में। अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होता कमीशन मिला तो आप एंट्री करते टू कमीशन बाय केयर, बट ये कमीशन कैसा है जो एडवांस में मिल रहा है उसको आप लिखेंगे टू अनएक्रूड कमीशन बाय केस। अल्टे प्लस सी से आप अनएक्रूड कमीशन का लेजर बना देंगे। इसको आप अंडर में डालिएगा करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि एडवांस में मिला है अपन को सेवा देना बाय। बाय में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास केस आ रहा है, एंट्री हो जाएगी टू अनएक्रूड कमीशन बाय केस, एंटर करके सेव। किराया मिलना था लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ तो एंट्री आप कर देंगे F7 से जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा, अगर आपको किराया मिल जाता तब आप एंट्री करते बाय केस टू रेंट, क्योंकि इनकम का नाम हमेशा टू में आता है। मिलना था लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया, बाय में आप लिखेंगे एक्रूड रेंट। अल्टे प्लस सी से आप एक्रूड रेंट का लेजर बना लेंगे। अंडर में आप इसको डालिएगा करेंट असेट में, क्योंकि मिलना बाकी है, और टू में आप लिख देना रेंट। अल्टे प्लस सी से आप रेंट अकाउंट का लेजर बनाना। अंडर में आप इसको डालना इनडायरेक्ट इनकम, एंटर करके सेव। अपन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, एंट्री आप कर देंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा एक्सपेंसेस का नाम। अल्टे प्लस सी से आप वेजेस अकाउंट का लेजर बनाए, बनाया था शायद अभी बनाया। बाय में आप लिखना वेजेस, फिर आप इसे बाय करना। अल्टे प्लस सी से आप बैटरी इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना रही है। अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी एंटर करके आप इसको सेव कर दें, और टू में आ जाएगा केस, अपने पास से केस जा रहा है, एंटर करके सेव। इसकी एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में, आप यहाँ पे एस वाउचर सिलेक्ट कर रही है। माल बेचा भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तो बाय में आप लिख देंगे बैंक, और टू में आ जाएगा सेल्स, एंट्री हो जाएगी बाय बैंक टू सेल्स। बैंक से केस निकाल रहे हैं, एंट्री आप करेंगे काउंटर वाउचर में। बैंक से केस निकालते हैं तो बैंक होता है देने वाला, अपन होते हैं पाने वाले, टू में आप लिख देंगे बैंक, तो बाय में आ जाएगा केस, अपने पास केस आ रहा है, एंटर करके सेव। कितने आप बैंक सेव से बैंक चलते हैं, आप लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं, सही है, किस चीज की सही आ रही है? अच्छा नहीं भाई, आप प्रॉफिट एंड लॉस और मिला लीजिए, सही है, इतना बड़ा तो समझा लेकिन तो सब प्रॉफिट हो गया। चल नहीं आप लोग,